हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जेएनएम फर्स्ट ईयर के बायोसाइंस, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के पेपर को देखेंगे। ये आपका मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल भोपाल एमपी का सेशन जून 2021 का पेपर है। तो देखते हैं कि इस बार के क्वेश्चन में आपको क्या क्या पूछे गए हैं। आपका फर्स्ट सेक्शन में आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पूछे गए हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका है डिफाइन करना है, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। का फर्स्ट है सेल, न्यूरॉन्स, हार्मोन्स, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिज्म, ग्लैंड, इनमें से आपको एनी 5 का जवाब देना है। ओके, इस तरह से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में आपका फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए हैं, जिसमें आपको फर्स्ट जो है वो है डैश ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट, कौन सा ब्लड ग्रुप जिसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। तो वो हो जाता है ए बी पॉजिटिव ब्लड टाइप जो होता है उसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, बिकॉज ए बी पॉजिटिव पेशेंट जो होते हैं वो सभी टाइप के ब्लड ग्रुप से ब्लड को रिसीव कर सकते हैं। ओके, इस तरह से इसका हो जाएगा ए बी पॉजिटिव। नेक्स्ट है कार्डिक मसल, कार्डिक मसल इज अ इनवॉलेंट्री मसल, इनवॉलेंट्री मसल होता है बिकॉज इसको हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनवॉलेंट्री। थर्ड है ट्रेकिया इज ऑल्सो नोन एज, ट्रेकिया को जाना जाता है विंड पाइप से। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा विंड पाइप। फोर्थ है हारमोन सिक्रेटेड बाई पैनक्रियाज, पैनक्रियाज के द्वारा जो हारमोन सिक्रेट होता है वो होते हैं इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन। ओके, नेक्स्ट है आपका फुल फॉर्म ऑफ एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हारमोन। सिक्स में है फंक्शनिंग यूनिट ऑफ किडनी, तो किडनी का फंक्शनिंग यूनिट हो जाता है नेफ्रोन। नेक्स्ट है डैश इज द लार्जेस्ट ऑर्गेन इन द बॉडी, कौन सा बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गेन होता है, तो वो हो जाता है स्किन। और सेकेंड लार्जेस्ट की बात करें तो वो हो जाता है लीवर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है द एवरेज एडल्ट ह्यूमन ब्रेन वेट इज 3 पाउंड, इसका आंसर हो जाएगा 3 पाउंड। ठीक है, नाइन्थ में आ जाता है पावर हाउस ऑफ सेल, किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, नेक्स्ट है द टंग इज अ डैश ऑर्गेन इन द माउथ, माउथ में टंग कौन सा ऑर्गेन है, तो इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गेन। ठीक है, इसका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा मस्कुलर ऑर्गेन इन द माउथ। ठीक है, इस तरह से हम लोग का फिल इन द ब्लैंक्स भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट आपका मैच द फॉलोइंग पूछे गए हैं, जिसमें आपका है फर्स्ट क्रेनियल नर्व्स। तो क्रेनियल नर्व्स जो होते हैं ना वो 12 पेयर्स में होते हैं, सेट ऑफ 12 पेयर्स होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 पेयर्स, जो कि इलेक्ट्रिक ब्रेन को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पहुंचाने का काम करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 पेयर। नेक्स्ट है आप लोग का ओवरी, ओवरी का हो जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है। एवरी वुमेन या फिर एवरी फीमेल में ओवरी की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट आ जाता है हम लोग का पेयर्स पेजेस, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में लोकेटेड होता है, ये स्मॉल पैकेजेस के रूप में होते हैं। तो इसका हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फोर्थ नंबर, फोर्थ में है एटलस, एटलस जो होते हैं वो टॉप मोस्ट वर्टिब्रा होते हैं, जो कि स्कल और स्पाइन के बीच मतलब जॉइंट कनेक्टेड होते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। ठीक है, इसका हो जाएगा फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। नेक्स्ट है विटामिन सी, तो विटामिन सी का हो जाएगा स्कर्वी। लेयर ऑफ हार्ट, तो हार्ट का 3 लेयर होते हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम, तो हार्ट का हो जाएगा 3। ओके, इस तरह से नेक्स्ट हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, बोन मेरो, आरबीएम। ठीक है, रेड बोन मेरो। ठीक है, आ जाता है हम लोग का लिम्फैटिक सिस्टम या फिर लिम्फॉइड सिस्टम, ये हमारे इम्यूनिटी के लिए या फिर इम्यून रिस्पॉन्स के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसका हो जाएगा इम्यूनिटी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है थायराइड ग्लैंड, तो यहाँ पे T3 और T4 जो हार्मोन होते हैं वो थायराइड ग्लैंड के द्वारा, इसका जो निर्माण होता है वो थायराइड ग्लैंड में होता है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रू रिब्स, तो 1 से 7 तक रिब्स की संख्या जो होती है ना वो 1 से 7 तक जो होती है ना वो ट्रू रिब्स होती है, और उसके बाद 3 रिब्स होते हैं जिसको फॉल्स रिब्स कहते हैं, 8, 9, 10 ये फॉल्स रिब्स होते हैं, उसके अलावा 11 और 12 रिब्स होते हैं जिसको हम लोग फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, जो अटैच नहीं होता है। ठीक है, तो ट्रू रिब्स हो जाते हैं, 1 से 7 तक ट्रू रिब्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका मैच द फॉलोइंग हो गया। आई होप आपको ये मैच द फॉलोइंग समझ में आया होगा। इनफैक्ट अगर आपको इसमें कुछ मिसमैच लगता है तो आप उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट में आपका जो मैच द फॉलोइंग था ये तो आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ट्रू एंड फॉल्स, तो यहाँ पे हम लोग ट्रू एंड फॉल्स को देखते हैं। ट्रू एंड फॉल्स में आपका फर्स्ट जो है वो कह रहा है लेफ्ट लंग्स है 3 लोब्स, तो आपको पता है ना कि लंग्स जो होते हैं ना वो राइट लंग्स होते हैं, उसमें 3 लोब्स होते हैं, लेफ्ट में 2 लोब्स होते हैं, तो दिस आंसर इज रॉन्ग। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, लेफ्ट लंग्स हैज ओनली 2 लोब्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप लोग का आ जाता है लाइफ स्पैन ऑफ WBC। तो जैसा कि मुझे पता है कि WBC का जो लाइफ स्पैन होता है वो 13 to 20 days होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, थर्ड में स्टर्नम इज आल्सो नोन एज, तो स्टर्नम को जो है ब्रेस्ट बोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज कवरिंग, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज कवरिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द मिडिल ईयर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मिडिल ईयर के द्वार पे पाई जाती है, तो एब्सोल्युटली राइट, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट है बाइल साल्ट इज हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट, बाइल साल्ट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है, तो इस तरह से आपका ट्रू एंड द फॉल्स हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो नेक्स्ट में आपका जो है वो शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें आपका फर्स्ट जो है वो है सेल, सेल पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। तो अगर बात आती है सेल की शॉर्ट नोट्स लिखने पे, तो सेल का पहले डिफिनीशन देंगे, खोज किसने किया और कितने ईस्वी में किया, उसके बाद सेल का एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 मार्क्स में पूछे गए ना, तो सेल का स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद हम सेल का फंक्शन भी लिखेंगे, उसके बाद हम सेल में ऑर्गेनिल्स होते हैं तो बहुत सारे ऑर्गेनिल्स का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग शॉर्ट नोट सेल पे लिखेंगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट, इस तरह जॉइंट का क्लासिफिकेशन करेंगे, टिश्यू पे भी लिखेंगे टिश्यू, फिर टिश्यू के टाइप्स। ठीक है, इस तरह से 4 आ जाता है ओवरी, तो ओवरी में भी हम पिक्चर बनाएंगे, ओवरी के बारे में लिखेंगे, फिर इसका स्ट्रक्चर और फिर इसका फंक्शन लिखेंगे। इस तरह से हमारा शॉर्ट नोट्स क्लियर होगा। अगर ये 2 मार्क्स का है तो हम थोड़ा सा लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन ही पूछे गए, किसी 2 क्वेश्चन को ही बनाना है, और 4 क्वेश्चन पूछे गए तो आप किसी 2 को ही, और चूंकि यहाँ पे आपको 5 मार्क्स में पूछा गया है शॉर्ट नोट्स, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में डिफरेंस पूछे गए हैं, जिसमें आपका फर्स्ट है आर्टरीज एंड वेन, आर्टरी एंड वेंट्रिकल, मिटोसिस एंड मियोसिस, इन तीनों में आपको किसी 2 का जवाब देना है। ठीक है, नेक्स्ट है 7 में ड्रॉ एलिवेट डायग्राम ऑफ हार्ट, हार्ट का आपको डायग्राम बनाना है, उसके ब्लड सर्कुलेशन को भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और में पूछे गए, मतलब इन दोनों में से किसी एक ही क्वेश्चन को बनाना है, आपको 10 मार्क्स में पूछे गए हैं, तो आपको नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन में दिए गए हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का आपको डायग्राम बनाना है और उसे एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम लोग सेक्शन बी में देखेंगे कि आपको जो माइक्रोबायोलॉजी से पूछे गए हैं, तो आपको माइक्रोबायोलॉजी में आपका 1 or 2 questions पूछे गए, जिसमें आपका फर्स्ट जो है उसमें आपको सिर्फ डिफिनीशन लिखना है, आपका फर्स्ट एंटीसेप्टिक कैरीज, फूमिगेशन, इन्फेक्शन, माइक्रोबायोलॉजी, उसके बाद ऑटोक्लेविंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, जिसमें 3 questions दिए गए हैं, किसी 2 question को बनाना है, फर्स्ट राउट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, बायोमेडिकल वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चंस है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो 2019 के पेपर में सेम इसी तरह पूछे गए थे, तो प्रीवियस क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए, तो आप प्रीवियस क्वेश्चंस को ज़रूर देखें। आपको मैंने ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड मैच द फॉलोइंग बता दिए हैं, बाकी बात लॉन्ग क्वेश्चंस को आप कोशिश कर सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।